आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवा तीन। तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से, कुछ नहीं बचता मेरे पास, जो भी आता है मेरे हाथों से चला जाता है। शायद मेरे हाथों में सुराख है, शायद यही वजह है कि मेरे हाथों में कुछ टिकता नहीं है, ना पैसा, ना दोस्त, ना रिश्ते, ना प्यार। बेगम जान भी मुझे छोड़कर चली गई, 2 महीने हो गए हैं, उसने मुझे इस घर का किराया नहीं भेजा। अरे क्यों था मैं यहां पर, कहां से दूंगा मैं पैसे, क्या करूं मैं? तो अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं खादिम को सब्ज बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करवाऊं। ये खादिम टाइप लोग होते ही इसी काबिल हैं कि इनको लारे लगाते जाओ और इनसे अपने नारे लगवाते जाओ। खादिम, खादिम जी, खादिम हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? ओहो, आज तो आपका चेहरा उतरा हुआ है। वो ऐसे नहीं पंजाबी में कहते, वो तेरा मुंह है जी में गिट्टा उतरे होता है। खादिम जी, जी जी, तुम्हें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। शुक्र है, शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई खून के आंसू भी रोता है, वरना यहाँ पे तो हर बंदा मगरमच्छ के आंसू रोता है। खादिम, तुम्हें देखकर मेरे सीने में जलन होती है। पुदीना देखा कभी? पुदीने की गुठी लाएं या सीने पे मले, आपको आराम आ जाएगा। खादिम, तुम्हें देखकर मेरे मैदे में दर्द होता है। ये मेरी वजह नहीं, पले और रोटी खाओ। बात क्या है, मेरे पे क्यों डाल रहे हैं सारी बातें? बात ये है खादिम कि तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम कितने फजूल आदमी हो। अच्छा, मुझे ये पहले भी किसी ने कहा, मैं माना नहीं, अब मैं ध्यान करूंगा। किस किस्म के इंसान है? इस किस्म के। खादिम, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत संगीन मामला है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा खादिम कि तुम भी तरक्की करो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए, तुम्हारी इज्जत हो, तुम बड़े आदमी बनो, अपना नाम रोशन करो, अपना मुस्तकबिल संवारो। ओ भाई, मैं नहीं ये धरने की सियासत कर सकता। कौन सुबह सुबह उठ के अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों को इकट्ठा करे, एक दूसरे को गालियां दे, सुने और फिर कहीं जाके नींद आए? मैं नहीं ये काम कर सकता। खादिम, अगर तुम्हारी यही सोच रही तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी एक नौकर रहोगे जिसकी नौकरों वाली औकात और नौकरों वाली सोच रहेगी। देखे, हम नस्ली नौकर हैं। मेरे दादा भी इधर काम करते थे, मेरे अब्बा भी इधर काम करते थे, मेरा बड़ा भाई भी इधर काम करता था, मैं भी इधर काम करता हूं। और बाकी रह गई गुलामी और नौकरी की बात, वो तो हम 70 साल से नौकरी कर रहे हैं। कभी अंग्रेजों की नौकरी, कभी जागीरदारों की नौकरी, कभी इन झगड़ालू लोगों की नौकरी। हम नौकर पैदा हुए थे और नौकर पे ही मर जाएंगे। खादिम, तुम समझते नहीं हो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। खादिम, तुम दुनिया में तरक्की याफ्ता कहलाओगे, तुम्हारी जेब में पैसे होंगे, तुम्हारे पेट में सब कुछ होगा। खादिम, जो तुम चाहोगे खा सकोगे, गाड़ी भी होगी, तुम गाड़ी चला सकोगे, अच्छा प्लेन भी उड़ा सकोगे। खादिम, अच्छा, यानी कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है। मेरे अंदर इस शक्ल में या इस अकल में ऐसे गुण हैं? हा हा हा, खादिम है। बताओ 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 बताओ। अच्छा, तो ये मसला है। मसला आपको है और तरक्की मैं करूंगा। मुझे अपनी साइकिल ठीक है, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। खादिम, वो मसला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मेरे पास हमारी खानदानी मंसूबा बंदी, मेरा मतलब हमारी खुशहाली की मंसूबा बंदी है। वो क्या है? खादिम, तुमने हमारी गली के नुक्कड़ में जो ATM है वो देखा है? बड़ी गालियां देता जब भी उसके पास से गुजरता हूँ, वो कहता तेरी मेरी कोई वाकफियत नहीं है। फजूल से ATM की इतनी हिम्मत कि तुम्हारा मजाक बनाए? खादिम, तुम इससे बदला ले सकते हो। अच्छा, जानते हो कैसे? कैसे? रात के वक्त इस गली में बहुत तारीकी होती है, सन्नाटा होता है, इस गली में कुत्ते भी नहीं भौंकते। तो खादिम, जो चौकीदार है तुम उसकी फिक्र बिल्कुल ना करना, उसको किसी जरूरी काम से मैं अपने पास बुला लूंगा। अच्छा, ये छोड़े जरा, ये आप अपनी तरक्की की बात कर रहे हैं या मेरी तरक्की की बात कर रहे हैं? खादिम, ये चौकीदार को बुलाने के लिए आप मुझे बहाने से घर से निकाल रहे हैं? खादिम, तुम समझे नहीं। हाँ? चौकीदार को मैं अपने पास इसलिए बुलाऊंगा ताकि तुम उस ATM के पास चले जाओ और छुप जाओ। अच्छा, फिर रात को जो भी उस ATM से पैसे निकालने के लिए आएगा, हाँ? तुम उसको एक नकली बंदूक दिखाकर उसको लूट लेना, और उसके बाद तुम्हारी और मेरी जिंदगी के तमाम प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। खादिम, यानी कि बंदे से पैसे ले लूंगा और वो पैसे ला के आते आपको
और आते मुझे ऑफ कोर्स चोरी मैं करूं, हाँ? पकड़ा मैं जाऊं। आप जैसे बंदे इस तरह का मशवरा देके ना सब तो पहले चंड आप मार देने इकट्ठा। मुझे घर भी इंजीनियर नहीं भाई है। सर मैं नहीं करूंगा ऐसी चोरी। खादिम तुम मेरे भाई हो, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, हम 50-50 के शराकत दार हैं। चोरी मैं करूं और 50-50 क्यों? आपने गलत बंदा चॉइस किया है सर, मैं बिकने वाला नहीं, मैं पकाऊ नहीं। खादिम मुझे अपनी मेहनत पे मान है और आप कह रहे हैं कि चोरी मैं करूं और 50-50, अगर मैं चोरी करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा लूंगा। यानी रेट बढ़ाओगे तुम मेरे साथ, यानी राजा को आंखें दिखाओगे तुम। आंखें क्या, चोरी मैंने करनी है। आइडिया किसने दिया? पहले भी मैंने इस तरह की हरकत की थी, मैंने गन्ने के ऊपर कपड़ा डाला, अंधेरे में चुप करके खड़ा हो गया, एक बंदा आया, मैंने उसके यहाँ कनपिट में कहा जो भी है निकाल दो, उसे पता चल गया कि ये गन्ना नहीं है गन्ना, वो मेरी सारी गन चूप गया। खादिम तुम गन्नों के बारे में सोचते रहना, और यहाँ पे जो शक्कर गुड़ शहद जो मिठास तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार कर रही है उसके बारे में ना सोचना। आप समझते हैं मैं पागल हूँ, शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? मुझे पता है कि ये आप सब कुछ मुझसे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल आपकी बेगम जान से खटपट है और उन्होंने 2 महीने का किराया भी आपको नहीं दिया। आप चाहते हैं कि चोरी मैं करूं, पैसे मैं लाऊं, अगर पकड़ा जाऊं तो वो भी मैं भी पकड़ा जाऊं। इतना भोला और इतना मासूम नहीं है खादिम। घंटी बजी खादिम, घंटी बजी, जाके देखो कौन आया है। घंटी बजी, ये लोग समझते हैं खादिम पागल है, चोरी ये करे पकड़ा ये जाए, मैं कभी नहीं बिक सकता, मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। हाय लगता है अब कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, ये बंदा मेरे काम आने वाला नहीं। वो 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 वो। बाहर 3 लड़कियां आपको मिलने आई, पहले तो मैं ये सोच के हैरान हो गया। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बताया कि राजा से हम मिलने आए हैं। ऑफ कोर्स मनवा सिस्टर फ्रॉम फैसलाबाद। व्हाट, मनवा सिस्टर्स आर हियर? मैं क्या भीरे की करना है? कहनी भीरे राजे ने मिलना, मैं क्या भीरे आ जाओ फिर मिल लो। अच्छा तुसी ए करो कि गो आउट एंड प्लीज बड़ी इज्जत से उनको अंदर लेकर आओ। अच्छा मैं उन्हें लेके आता हूँ, लेकिन फैसलाबाद मेरा बहुत फेवरेट सिटी है, बड़ा मुझे बड़े जॉली लोग होते हैं उधर, ये वो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो तशरीफ लाती है मनवा सिस्टर। देखी जावा कोल बिठा के दिल विच तेरा प्यार वसा के, देखी जावा कोल बिठा के तेनु दिल वाले शीशे च सजाया, तेनु दिल वाले शीशे च सजाया, दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया। बिच में बसाया तेनू अखियां दे बिच में बसाया, दिल कर वेखदार वा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। प्लीज आइए आइए बैठिए। Your parents must be so proud of you. फैसलाबाद तो अगे जोता ही आंदियां होंदियां सी, कुड़ियां हो गईयां बच्चे फैसलाबाद, मैं जितना रोला हूं ना मैं आपको बता नहीं सकता, उधर इतना कपड़ा नहीं बनता जितनी जुगते बनती। एक फकीर मांगने के लिए आया चंग बाजार में बैठा, वो सच्चा वाकया चंग बाजार में बैठा एक फकीर आया, वो मुझे कहता अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मैंने उसे 20 रुपए दिए, मैंने कहा शर्म करो सड़कों पे मांगते हो, कहना भीरे हुण तेरे बियां दे चक्कर च दफ्तर खोल लां। माई झुकी एक इलाका, उत्थे बाहर औरतां
जुआ कढ़न नहीं है नहीं नहीं मैं होगा उते जुआ कढ़न नहीं और तो मैं क्या खा लिया जी जुआ कढ़न दे कहने नहीं पुत बैंकॉक ते वीजे लाउन दे कुछ खाना हो कुछ पीना हो मुझे पैसे देने मैं अभी लेके आऊँ खा पिए नहीं खादम बच्चे घबराना नहीं खादम खादम आला नहीं सादा खादम आप लाहौरियों की तरह बातें करी जा रहे हैं और खाने के लिए कुछ लेके नहीं हम वो लोग नहीं है क्या मेहमानों की कदर नहीं करते हमारे मेहमानों के मुंह से जो चीज निकले हम लाते हैं माय गॉड जी बिस्मिल्लाह करें जी क्या खाएंगे आप जी अभी फिलहाल तो जूस लें जूस क्योंकि अभी हम लोग आए हैं तो थोड़ी प्यास भी लगी हुई है जूस हो जाए तो बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने थैंक यू जूस अभी गया अभी आया बच्चों पे ध्यान रखना आना जाना कीजिएगा ओके यू नो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है और यू नो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड सेल्फ अशोर्ड वुमेन यंग लेडीज लाइक योरसेल्फ आप लोग इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर खवातीन को F-16 उड़ाते तो सुना था उनको सरहदों की हिफाजत करते भी सुना था लेकिन कवाली में खवातीन को इससे पहले नहीं सुना हाउ डिड द थ्री ऑफ यू डिसाइड टू कम इनटू दिस particular genre of music yeah we decided from the very start school life so we never planned that we will sing together yeah it happens suddenly mm-hmm. then we decided that okay we will sing together in a group mm-hmm. like because, kavali it's in our blood it's yeah. inherited अच्छा माशाल्लाह ये कहा जाए कि कवाली आपके खून के अंदर है तो ये गलत नहीं होगा आपके नाना उस्ताद रशीद फरीदी साहब बहुत बड़ा नाम है उनका कितना इन्फ्लुएंस रहा आप लोगों की जिंदगियों में कितनी इंटरेक्शन रही आपकी उनके साथ कितना सीखने का मौका मिला उनसे बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे घर में हालांकि हम लोग स्कूल लाइफ में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती थी लेकिन घर में हमारे थोड़ा सा माहौल इस किस्म का भी हमें मिला है सो दैट्स वाई इन्फ्लुएंस तो है हमारे राजा बिल्कुल गलत वक्त पर आई हो कितनी बार बोला है मुझसे पूछ कर आया करो बेबी व्हाई देखो यहाँ पे ओनली बिकॉज यू वर सिटिंग विद थ्री गर्ल्स ब्यूटीफुल गर्ल्स बट मसला उनकी ब्यूटी नहीं उनकी आवाज है आई नो तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनकी आवाज सुनकर मुझे किसी का कॉम्प्लेक्स नहीं होता तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा मेहरू तुम मेरे बारे में ऐसे कहोगे अच्छा वादा करो कि तुम उनकी आवाज सुनकर एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होगी नहीं मेरी अपनी आवाज बहुत अच्छी है ऐसे राजा ना जान बूझ के करता रहता है हेलो गर्ल्स हाय मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कौन करवाएगा मेहरू मेरी होने वाली मंगेतर है वो वाला नहीं करवाओ ये घर है मेहरू का है और मेरा भी है हम दोनों का ही है तकरीबन नहीं मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ और अभी खादिम ने बताया कि आप लोग गाए हुए और मैं अंदर मुझे इतनी सुरीली आवाजें आ रही थी मैंने खादिम से कहा ये इतना सुरीला गाना कहाँ लगा हुआ है उसने कहा ये गाया जा रहा लाइव इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं क्यों ना आप लोग एक अच्छा सा कलाम कोई जो आपका पसंदीदा कलाम हो वो हमारे लिए जोगी नाले जाना जाना नी मैं जाना जोगी नाले जाना 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 जोगी नाले जाना नी मैं जाना जोगी देना हाँ नी मैं जाना जोगी देना हाँ नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना हाँ नी मैं जाना जोगी देना मेरे मन विच वसया ए जोगी मेरा जूड़ा कसया सच आखा मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन
जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जदों दी मैं जदों दी मैं जोगी दी होई जदों दी मैं जोगी दी होई मैं विच मैं ना रह गई कोई जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी नाल जाना 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 नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना 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 नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे देखे हमारे घर के चमत्कार देखे मैं तीन सिस्टरें छोड़ के गया था वापसी में पांच हो गई तो ये बताइए कि जब आपने शुरू किया तो किसी किस्म की ऑपोजिशन का सामना तो नहीं करना पड़ा कोई रुकावटें कोई रोक टोक कोई मुश्किल सारी रही लेकिन घर की तरफ से नहीं थी वो थोड़ा थोड़ा सा जो फैमिली के कुछ लोग होते हैं उनकी तरफ से थी अभी अभी हाल ही में एक नया वीडियो रिलीज किया ये गाना और इस वीडियो के बारे में कुछ बताइए वीडियो इट्स वेरी वंडरफुल वीडियो इट्स गोइंग टू बी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हमें क्योंकि इसकी जो मेकिंग है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से हुई है इसमें हम लोगों ने खुद ही परफॉर्म किया है खुद ही इसको जाहिर है गाना तो खुद ही था और थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स हैं इसमें और आप सब लोग देखेंगे तो बहुत आपको किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया दिल कर देखदा रवा किन्ना सोना तेनु कैसा था वैसे मैं आपको सीरियसली एंड ऑनेस्टली बताऊं हां यार प्लीज ऑब्वियसली आपने I'm sorry, बहुत बुरा गाया क्यों होता है कि लड़कियां आपस में बहुत जेलस होती हैं एक दूसरे से खवातीन खवातीन से हमेशा जेलस होती है सर एक बात बताऊं मैं दिल लगी भूल गया बच्चों माफ कर दो उसके सिंगर से आई जा रहे हैं क्या होता है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में रास्ता न रोका करो मेरा स्टूडेंट है खादिम जैसी टीचर वैसा स्टूडेंट इधर लैंड कर जाए लैंड कर जाए अच्छा मैं अगर ऐसे ऐसे करूं तो ये उड़कर तार पे बैठ जाएगी देखिए जी सागदार साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन बचाने में अहम करदार अदा किया इस बात की तो समझ आती है फिर उन्हें वजीरे खजाना बना दिया गया इस बात की समझ नहीं आती भाई मोटरवे की तामीर पे सियासत करते हैं इस बात की तो समझ आती है अच्छा रैली जीटी रोड था नहीं लेके जाते हैं इस बात की समझ नहीं आती एक बात की और समझ नहीं आती इमरान खान साहब कहते हैं शेख रशीद को चपड़ासी की नौकरी भी नहीं दूंगा इस बात की तो समझ आती है वज़ीर आज़म के लिए मुंतखिब करते हैं इस बात की समझ नहीं आती ये बहुत अच्छी मेहमान आए हैं कुछ मेहमान केड़े वो देखो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप अरे वाह मनवा सिस्टर अच्छा अच्छा ये हैं
मेहमान ने के टीके लगवाउन आए ने। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें वो कौन से लोग हैं जिनके काम से आप इंस्पायर्ड हों, मुतासिर हों, या जिनके साथ आप कलैबोरेट करना चाहेंगे? जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने भी अच्छा काम किया पास्ट में, अभी भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट हम सबसे इंस्पायर्ड हैं। आप कुछ मुझे सुनाएंगे? श्योर। वे अजना जामी हाय, वे अजना जामी, वे अजना जामी हाय, वे अजना जामी, हो कमले आ बेटो ले आ काली राते हाय, वे अजना जामी हो कमले आ बेटो ले आ काली राते हाय, वे अजना जामी हाय, वे अजना जामी। हाय हाय हाय, क्या याद आ गया मुझे। की जी कुछ भी नहीं। आज तो मेरे लिए जूस क्यों नहीं लाए? चल चल, इतने जूस ले आए मैं लेकर आता हूँ, तेरी इज्जत बहुत मैंने कर ली, चल भाग। मैं ना ना, ना खुदा का वास्ता। मौला मेरी सुन ले, इनू तनखा ना लबे इथो, छोटा गोश्त बनावे ते मसर पक जाने दे कोल। चल निकल, कैसी मसरा दी दाल वर्गी शक्ल। चल भाई वेले ही हो। हाँ जी, कख नहीं कर सकते तुसी। सबके लिए जूस लाए, मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हें नहीं पता कि मैं गाना गा गा के थक जाती हूँ? आपको जूस नहीं मैंने दिया? मैं नहीं बोलती। आप अपने कमरे में जाएं, इतनी सी प्लेट है उसके ऊपर पाँव रखें। हाँ, दैट्स सो फनी। एक्चुअली ना मैं गाना गा गा के ना मेरा गला थोड़ा ड्राई हो गया, मैं जूस पीकर आती हूँ। ओके राजा, राजा उन्हें बोर मत होने देना प्लीज। बिल्कुल नहीं। खैर, आप लोग इनकी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मनाइएगा, इस घर में इस किस्म के सर्कस चलते रहते हैं। ये बताइए कि आपने अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेस की उसमें सबसे यादगार एक्सपीरियंस कौन सा रहा? एक हुआ था, वो हमारा बहुत स्टार्ट था और फैसलाबाद में ही हुआ था। 14 अगस्त को एक कॉन्सर्ट था और पूरा फैसलाबाद इकट्ठा हुआ था एक जगह पे और हम गाना गा रही थी। लेकिन शुक्र है कि हमने जैसे अपना गाना एंड किया उसके बाद हमने कुछ बोलना था कि थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया, आप बहुत इन्जॉय करें, और लाइट चली गई, सब कुछ बंद हो गया। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा, अपनिया सोचा विच आप डूब जाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा, मियां जी नू लाके ओदई बिठा दिता बेली जी, मुजरम होके ओने काट लिए रेली जी, हो मुजरम होके ओने काट लिए रेली जी। ते आवाम दा की दिल हाँ। मुल्क नू खावे जेड़ा जेल पुचाई दा, कहंदा सी ओ धरनिया ने तरक्की दित्ती रोक जी, आप नू भी पै गया कंटेनर वाला शौक, अपनी हकूमत होवे ते पावर शो नहीं कराई। दिल वाला दुखड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मुतारिफ लोहार साहब, क्या हाल है आपके? मैं सदके जाऊं, क्या आपकी याद आई और हम यहाँ पे बधा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, किधर चले हो? चले नहीं, ये हमारी मेहमान है। अच्छा माशाल्लाह, ये कौन है? साइकिल ते मेथी भेज दी है ते साडी गली च कदी आई है ओ यार, वो सिंगर है बहुत बड़ी। अच्छा जनाब, मैं आज बड़ा खुश हूँ, आज मुझसे कुछ मांग ले जनाब, कोई जो दिल करता है मांग ले। वो जरा साढ़ा 500 देना वो वापस कर दे। आवाज थोड़ी सी सुनवा दे ते हमारा भी रूह ताजा हो जाए, जरा मजा। जरूर जरूर। Na ja na ja na ja na mere dhol jaaniya main tere tarle poniya, na ja na ja
बाहर का रास्ता दिखा दो। जो है वो सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता है। म्यूजिक वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यकीनन आपका लिबास, आपका स्टाइल, ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या आप लोग खास तवज्जो दे रहे हैं अपनी पैकेजिंग के ऊपर? बिल्कुल तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन म्यूजिक में जो गाना है फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को होनी चाहिए। खादिम, खादिम देखो कोई आ चला आ रहा है हमारे घर में। हेलो भाई, सिर ते पैंपर पा के ते किधर आ गए हैं? मैनू मेरे ना इंग्लिश च गल करो, मैनू पंजाबी ते उर्दू दी कट्टा समझ नहीं आउंदी। इधर हो जा, मैं गरीब बंदे दे मत्थे नहीं लगना। इधर हो जा, इधर आ जाओ, मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत प्यारी सिंगर बैठी हुई है। मेरे ना इंग्लिश च गल करो, मैनू नहीं समझ आउंदी। ओ यार, आप तो सारी पंजाबी बोल रहे, अगले नु कहना इंग्लिश च गल करो। रॉक स्टार, हेलो, हाय, कैसी हैं? अभी पंजाबी समझ नहीं आई इंग्लिश? मनवा सिस्टर, ओ नाम है इस वक्त। कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस सर, और मैंने पता है। एंड आई लाइक योर, थैंक यू, शर्ट कलर रियली वेरी कूल, एंड आई लाइक योर हेयर स्टाइल। मैंने नु चाहना तो फैल दिया कुड़ियां उन्हें कहने वाला, क्यों ड्रेस इको जे पाए ने? फैशन है। नहीं नहीं, कट्टे लवो तो सस्ते मिलते। तुसी कुलकारी ना शौक रख दियो? Yes, we are singers. Oh, very good. क्या कर कवाली शुवाली? All type of genre. अच्छा अच्छा। मनवा सिस्टर आजकल बड़ा नाम है इनका। अच्छा जी, पैसे दोगे मैं तो नुकार? हाँ बिल्कुल देंगे, आप गाना सुनाइए प्लीज। English हो? English ही चुस नाम है। सुना? तड़ा जड़ा गाना मशहूर है ना, उस नाम है। क्या डांस? ऐनु समझना? नहीं। हाँ? नहीं। तो इन्हीं तो मैंने हर बंदा कहिंदा तू सही नहीं बजा रहे। फलाई कर कोठे उतों करोवावे, फलाई कर कोठे तो करोवावे, माई हार्ट दा गेस्ट कोई ना, तेनू फूट क्यों खमावावे। नहीं समझ आई? मैं गाना सुने है पर इस तरह नहीं सुने है, दोबारा सुनाइएगा। उड कोठे उतों खावावे, साढ़े दिल दा प्रौना कोई ना, मैं इसलिए तेनू क्या जा यार, चार दिन तू कनाडा रहो मेरे को। देखे ये गाना जो है ना, गले का काम होता है। जी जी पता सर। जिसका गला नहीं है उसके पास गाना भी नहीं है। तो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कोई पीने के लिए? ओ माई फेवरेट जूस, किसी ने पिया तो नहीं है? ये मेरा जूस है। जी जी, ये मेरा जूस दे दो, दे दो, है। मुझे तो मौसमी का लग रहा है। चौकीदार ही कर लो, छो 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 कौन कुलचा लेके दो, वो शेख सकता मेरे लिए पूड़ियां लेके आ। यार मुझको यतीम समझ के मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। रोई ना मेरा आसा, मेरे पे जुल्म करते हैं। रोई ना मेरा आसा निकल जाने। भाई इतना मायूस नहीं होते जिंदगी से? मायूस हो गया यार, ये पठान लोग सादे लोग हैं। ये देखो उसका चौकीदार का पैसा देना ना, वो रोना शुरू कर दिया। देना फिर तू दे दे। चौकीदार साहब, मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। निकाल दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा खसमानु खा? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जैसा कपड़ा पहने, एक जैसा बाल है, खामत भी एक जैसे ही होना चाहिए। आप इतना खूबसूरत है और अपने जैसा खूबसूरत गाना सुनाएगा।
जी बिल्कुल, लेकिन हम एक शर्त पे आपको गाना सुनाएंगे क्योंकि हमें बहुत देर हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, सो हमें आप इजाजत दीजिए और फिर हम आपको गाना सुनाएंगे। बिल्कुल, हम आपको इजाजत देंगे, सिर्फ इसलिए इजाजत देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आपका ये वक्त कितना कीमती है। ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त है, आपने अभी अभी आगाज किया है एक फनी सफर का, और हमारी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं हैं कि आपका ये सफर आपकी जिंदगी कामयाबियों से हमकिनार रहे। मैं तो पीना कोलाडा पीऊं। मैंने कभी नहीं कोलाडा। आप क्या सर? कुछ भी ले आओ। कुल सलाह में ज्यादा पानी है? ज्यादा पानी। ज्यादा पानी कढ़ाई वाला भी पानी होता है। हमारे पंजाब में जो खादिम आला हैं, उन्होंने शायद ब्यूटिफिकेशन का मतलब ये समझ लिया कि सरिया हो, सीमेंट हो, ब्रिजेस हो, अंडरपासेस हो। शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद लीडर है यहाँ के जो कि बिल्कुल विजनलेस। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ।